हेलो एवरीवन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परीक्षा हेतु एक आवश्यक सूचना है जो समयावधि और प्रश्न पत्र के प्रारूप के संबंध में है, जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। तो प्रश्न पत्र के प्रारूप के संबंध में और परीक्षा की जो समयावधि डिसाइड हुई है उसके संबंध में है ये। तो इसके अनुसार जो परीक्षाएं 15/7/2021 से प्रारंभ हो रही हैं, वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में सूचित किया जाता है कि कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के चलते इस वर्ष प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे की समय अवधि के होंगे। तो 1.5 घंटे का ही पेपर होगा। पहले से पता है प्रश्न पत्र पूर्व वर्षों की भांति ही प्रारूप में होंगे, यानी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जैसे आते थे उसी तरीके से। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की सीमा 150 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की अधिकतम सीमा है 350 शब्द। परीक्षार्थी को 5 लघु उत्तरी, तो ये नंबर कन्फर्म नहीं था जो इसमें सूचना में कन्फर्म हो रहा है कि 5 लघु उत्तरी और 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न केवल हल करने होंगे। पेपर जिस टाइप से भी बनेगा वो पहले से पता है कि सारे प्रश्न पत्रों को मिला के एक ही पेपर बनने वाला है, तो उसमें से 5 लघु उत्तरी और 2 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन केवल होंगे। हाँ, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, MA शिक्षा शास्त्र आदि जिन विषयों के प्रारूप भिन्न हैं उनमें किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना होगा। तो हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट में केवल 5 प्रश्न को हल करना होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 300 शब्द है और ये नियम सिर्फ इसी सत्र के लिए लागू है। तो समरी ये है कि एग्ज़ाम्स का जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटा ही होगा और लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और जो प्रश्न उत्तरों की अधिकतम सीमा है लघु उत्तरी के लिए 150 शब्द और दीर्घ उत्तरी के लिए 350 शब्द। तो जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में बनाया था कि बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलने वाला है, तो पूरा पेपर नहीं भी अगर पढ़ेंगे तब भी कर पाएंगे। 5 ही लघु उत्तरी करना है और 2 दीर्घ उत्तरी, तो कम से कम 3 या 4 तो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा ही, तो उसमें से जो भी आपको आता रहेगा वो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।